वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं बहुत सारे अश्लील लोगों को रोस्ट, जैसे कि अरमान मलिक की फैमिली, क्योंकि अरमान मलिक जैसे लोग इतने अश्लील है कि वो एक बीवी को होते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इनसे बड़ा अश्लील तो कोई हो ही ना सकता ना। तो इन जैसे लोगों को आज अपन करने आ गए रोस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के। और बहुत जल्द गोलू भी मूवी करने वाली है। मैं नहीं मानता, ये आज मैं खोलना नहीं था, अभी खोल रहे हैं कि गोलू बहुत जल्दी मूवी करने वाली है। गोलू को ऑलरेडी मूवी का ऑफर आ चुका है। साफ साफ पूरी वीडियो में पायल मलिक ने करी है फेकोलॉजी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता इन लोगों को मूवी मिल जाए। अगर इन लोगों के ऊपर मूवी बनने गई ना तो लोगों को गलत इंस्पिरेशन मिलेगी, पता है तुम लोगों को। वैसे इनको देख देख के लोग बहुत सारे बिगड़ चुके हैं। आगे वीडियो में मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन यार इनको मूवी 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 तो ना मिल सकती। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, अगर इनकी मूवी आ गई ना उस दिन से मैंने मूवी देख देना छोड़ देना है। तब सोच लो तुम मूवी बनाने वालों, या तो इनको मूवी बनवा लो, या मतलब इनको मूवी में ले लो, या फिर मेरे को मूवी दिखवा लो। देख लो नुकसान किसका है, क्योंकि वो एक मूवी करेंगे बिना फालतू के पैसे ले लेंगे, तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनेगा, मूवी फ्लॉप हो जाएगी। मैं हर दो तीसरी मूवी है ना हॉल में जाके देखता हूँ, तो देख लो किसका नुकसान होने वाला है, देख लेना भाई। बाकी मैं तो पहले बोल रहा हूँ, अगर ये मूवी में आ गया तो मेरा मूवी देखना बंद बंद बंद। पायल पता है लड़का बेचारा गिरने वाला था यार, तीरों यार है। तुम भी ना मत बोला करो ऐसे, गिरने यार वाला था। तुम्हें को क्या पता कि गिर जाएगा, तो बता रही थी पायल को भी, मैं थोड़ी गिराया खुद से गिरा है। कोई बात नहीं बड़ा तो वही साफ सीधी बात यह है कि वो बच्चा गिरने वाला नहीं था, वो सही में गिर चुका तुम्हारी हरकतों की तरह। क्योंकि तुम लोग इतनी बेकार हरकतें करते ना, वो बच्चे ने सुन लिया होगा कि मैं गिरने वाला था, मैं गिर ही जाता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी पापा तो मेरे को गिरा गिरा के इतना बड़ा कर देंगे जिसकी वह ना, मतलब वो बच्चे कैसे पहचाने जाएंगे ये जा रहा दो माँ का बच्चा है, ऐसे बोलेंगे लोग उनको, कैसे छेड़ेंगे तुम्हें, समझ में आ रहा है। लेकिन अच्छा है दो माँ का बोल रहे, दो बाप का ना बोल रहे, वरना तो बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाता, ये तो तुम समझ रहे हो ना तुम लोग। लेकिन यार भाई कुछ भी को, ये तो इसकी जवानी काली है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे तो इसको बोलते काली जवान वाले, मतलब जो भी बोले वो हो जाए, और उल्टा बोले तो जानकर हो, सीधा बोले तो कुछ ना, उल्टा बोले तो सीधा हो जाए। उसने बोला ये बच्चा गिरने वाला था, वो सही में गिर गया, मतलब इतनी काली जवान। मुझे तो ऐसा लगता है इस वजह से उसने दूर से शादी कर ली, कोई खाना वाना तो ना खिला दिया। पायल मलिक पता कर ये काली जवान है, काली जवान। देखिए IVF पहले इसने कराया था, वो तो भगवान ने भाई मेरे को नेचुरल कंसीव करके मेरी बहुत ज्यादा भाई चल क्या रहा है, तो कह रही है तू IVF करा ले, मैं फिर से नेचुरल कर लूंगी। नहीं नहीं मैं, तू बड़ी है तो पहले तू IVF करा ले, मैं देख लूंगी। और दो एक मैंने अभी पैदा किए, एक बच्चे की प्लानिंग चल रही है चार टोटल। वैसे तो एक और बार मदर बनने में क्या जा रहा है, तू बन जा उसके बाद मैं बन जाऊंगी, ठीक है, मैं अकेले नहीं बन रही। पर हनुमान जी ने कल मुझे वीडियो देख के बोला कि पायल तो इसमें इतनी सुंदर लग रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं एक बार फिर तुझसे शादी कर लूं और फिर से एक बेबी प्लान कर रहे हैं। तो एक काम कर भाई, तुम्हें पता है अपने देश की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, और तुम्हारे बच्चे हमारे को चाहिए भी ना, तुम्हारी जैसी हरकतें, अगर तुम्हारे बच्चे भी ऐसी हरकतें करने लगे तो हम सहन ना कर पाएंगे, समझ में आ रही है ना तुम लोगों को। और यहाँ पे इनकी बेबी प्लानिंग चल रही है, हो गए ना चार बच्चे, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही, हम दो हमारे दो, तो अगर तुम अलग अलग भी हम दो हमारे दो करते हो तो भी तुम्हारे बच्चे बहुत हो चुके हैं। और वो क्या बोलता है कि वापस से शादी कर लू, कितनी शादियां करेगा भाई, और कितने जनों से शादियां करेगा। एक तो ये एक ही जने से तीन तीन बार शादी करता है, फिर ये बोर हो जाता है, फिर नई लड़की से शादी करने चला जाता है। बिगाड़ा तो तुमने इस आदमी को, इतनी शादियां करोगे इसके साथ तो हर छह महीने में उसको शादी करने की आग लगेगी ना, और फिर बच्चे करने की आग लगेगी, फिर हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी। चलो उसका कुछ नहीं, लेकिन तुम लोगों ने बिगाड़ा। वो बंदा हर छह महीने में शादियां करता है, अगर तुम राजी नहीं होगे तो दूसरे से शादी कर लेगा, इसका मतलब गलती उस बंदे की ना है, गलती तुम्हारी है जो तुमने उसको शादियों की लत लगा रखी है। को वादे कर रही थी तेरे से शादी करनी है, आज क्या हुआ, दो बीवियां हैं यार, फिर क्या होगा, तीन भी हो जाएंगी। लो मैंने तो पहले बोला था इस बंदे की हरकतें खराब कर रखी है इसकी लुगाइयों ने, मतलब इनकी वाइफों ने, मतलब इस बंदे को हर छह महीने में उससे शादियां करोगे तुम लोग, तो वो तो शादियां करेगा ही करेगा ना। अब उस पायल मलिक ने मना कर दिया, उसने नई बीवी ढूंढ ली अपने से शादी करने के लिए, अब वो बेचारी बोल रही नहीं तुमने दो शादियां कर रखी है। अब तो तू पागल है, तुझे दिख रहा है ना उसने दो शादियां कर रखी, तो क्यों उससे शादी की बात ही क्यों कर रहे हो तुम लोग खड़े होके वहां पे, मतलब कंटेंट के नाम पे शादी 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 मचा रखी है। शादी है कोई बच्चा बच्ची का खेल है यहाँ पे, जो तुमने एक तो मजाक बना रखा है पूरी शादी का। अरे तुम्हें पता भी है लोगों को शादी करने के लिए बंदे बंदी ना मिलते, और यहाँ पे ये लोग शादी पे शादी शादी पे शादी, इनका मन कर रहा है शादी कर लेंगे, इनको टाइम पास नहीं हो रहा है शादी कर लेंगे, इनको पार्टी करनी है ये शादी कर लेंगे, पार्टी करनी है तो वेडिंग एनिवर्सरी बनाओ ना यार, तुम शादी पे शादी क्यों करते हो, मेरे समझ में नहीं आता, इतनी शादियां करके जाओगे कहाँ, पता नहीं किसको कंपटीशन दे रहे हैं ये बंदे। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अरमान मलिक को भी पीछे कर दिया है, और कहीं ना कहीं बिग बॉस में आने के बाद अरमान मलिक की इस वजह से चर्चा हो रही थी कि भाई उन्होंने दो दो शादियां कर रखी है, बाकी अरमान मलिक से पहले शादियां कर ली, अरमान मलिक से पहले दो दो शादियां कर ली, और इतना ही नहीं
एक ही हफ्ते में दो दो बार शादियां इन्होंने कर ली है। बात सच है कि आपने दो दो शादियां कर रखी है, वो भी एक ही हफ्ते में? जी जी भाई साहब जी, ये हमारी पहली औरत है, सुमन नाम है इनका, इनका नाम है। कोई क्लिक बेट तो नहीं कर रहे हैं? असलियत में भाई साहब आधार कार्ड दिखा दें आपको। अच्छा, हाँ आधार कार्ड दिखा सकते हैं। इसके बाद इससे बड़ा सबूत, अगर इससे बड़ा सबूत चाहिए तो 9 बजे रोज हम लाइव आते हैं, शाम को 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे। सबूत आप लोग को मतलब चाहिए तो आप लोग हमारे घर। इतना गलत असर, मैंने तो पहले ही बोला था इन लोगों का गलत ही असर पड़ना है इस दुनिया पर, पड़ रहा है। मतलब इनसे पहले भी कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये शादियां कर रखी है। तुम लोग ये वीडियो अरमान मलिक को मत दिखा देना, वो बंदा खुश हो जाएगा, वो इससे इंस्पिरेशन लेगा कि भाई कोई मैं अकेला ना करने वाला ऐसा, वो लोग भी करते हैं ना बाबा ना। मतलब हद मचा रखी है, इतनी बुरी हरकतें करते हो फिर बोलते हो कि तुम यहाँ पे कोई वीडियो देख लेना हमारी, 9 बजे लाइव आएंगे हम वहाँ देख लेना। यहाँ पे मजाक बना रखा है तुम लोगों की, दो शादियां कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हारा 9 बजे लाइव देखने आऊँ? तुम लोग पागल वागल हो? मैं बिग बॉस देख लूंगा, 6 तारीख से बिग बॉस शुरू हो जाएगा संडे से, तो मैं बिग बॉस ना देख लूंगा? तुम लोगों के देखने से बढ़िया मैं बिग बॉस देख लूंगा भाई। वहां पे कुछ तो ढंका है, वहां पे कलेशी होता है, लड़ाइयां होती है, लेकिन ऐसी हरकतें ना होती। लेकिन अरमान मलिक भी बिग बॉस में आया था, चलो कोई बात नहीं, तो भी मैं बिग बॉस देखूंगा, तुम लोगों का 9 बजे लाइव ना देखूंगा। ये कौन सी शादी है भाई? गिनो कितने जनों से शादी कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच पांच लड़कियों से शादी कर रहा है ये बंदा। इसने क्या अरमान मलिक को चैलेंज दे दिया था, या अरमान मलिक ने इसको चैलेंज दे दिया था कि मुझसे ज्यादा शादी करके बता? मतलब हद ना हो गई है पांच लड़कियों से शादी करना? मुझे लग रहा है उन पांच लड़कियों के या तो आंखें खराब है या दिमाग खराब है। और जो मैं ये केस देख रहा हूँ ना, इस केस में तो मुझे ऐसा लगता है इनका तो दोनों ही खराब है। पहली चीज ये उनको ये दिखाई नहीं दे रहा, वो एक बंदा पांच जनों से शादियां कर रहा है फिर भी वो शादियां कर रहे उससे फेरे ले रहे। और दूसरी चीज ये उनका दिमाग इसलिए खराब है कि वो कैसे कर सकते हैं ऐसी बात। मतलब ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है एक बंदे से एक ही टाइम पे पांच लड़कियां एक साथ शादी करनी है? क्यों भाई क्यों, किसमें कमी रह रही है इस दुनिया में? मतलब ऐसे कौन से बंदे जिनको लड़कियां ना मिल रही, और ये ऐसे कैसे बंदे आ गए जिनको पांच पांच लड़कियां एक साथ मिल रही है? मतलब ये तो अन्याय होने लग गया, दो बात वाली बातें चल रही है। लेकिन ये फिर भी कुछ ठीक है, अरमान मलिक को मैं झेल सकता था, ये बंदा पांच शादियां कर रहा है, ये बच्चे कितने करेगा? मेरे को तो इसकी टेंशन है। दिन का कितना चाय बेच रहे थे? क्या गया 300-310 कप। फर्स्ट तो मैं वैसे बिल हो चुका हूँ, सेकंड पे मैं आ चुका हूँ। खड़की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और महीने का 162,000, साल का 19,44,000। महा कसम, हे तनिया ये आइडिया ना हमें शार्क टैंक में कर देना चाहिए भाई, पता है जहर वाली फंडिंग भी मिलेगी। देख इक्विटी तो अपन 50-50 कर लेंगे, तू सेल्स मैं ऑपरेशंस, अपन सब सॉर्ट कर लेंगे। हे भगवान, मतलब पैसा तो कुछ ज्यादा ही है, और लेकिन उसमें जो स्टेज बताए थे पढ़ाई लिखाई वो तो मुझसे होना रही। 12th के बाद तो मैंने अभी तक किताब ना उठाई, 6 महीने हो गए, मेरा पेपर मार्च में थे, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो 6 महीने से ज्यादा हो गया मैंने किताब ना उठाई। और सेकंड चीज है उसके बी प्लान पे मैं चल ही रहा हूँ, वीडियो बनाना, यूट्यूबर बनने वो तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सी प्लान पे ना जाऊं तो मेरी वीडियोस को सपोर्ट कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर मैं भी पता नहीं कहीं पे अपने दोस्त के साथ चाय की थड़ी पे ये हिसाब लगा रहूंगा। भाई साहब तो पूछ के, भाई साहब दिन की इतनी चाय बेच ले तो वो गया ना 100 चाय, भाई कितने की है? 10 रुपए की एक चाय। अगर वो 100 चाय बेचता है तो 10,000 हो रहा है, 10,000 हो रहा है, 1,000 हो रहा है, और 100 से तो ज्यादा बेच लेते होंगे वो बंदे, इतना तो मेरे को विश्वास है। अगर एक दिन की मैं 1,000 चाय बेचू 10 रुपए के हिसाब से तो 10,000 रुपए कमाता हूँ एक दिन के, महीने को हो गए 3 लाख। इसकी माँ का, अब तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो यही है, अगर मेरी वीडियोज ना चली, जैसे भगवान करे चल जाए यार, तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, मैं नहीं जा रहा सी प्लेन पर। सो गाइस मैं सी प्लेन पर नहीं जा रहा, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसी लगी, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।